नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन की तैयारियां जोरों शोरों पर है। सरकार ने इसके लिए दो कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद अब देश में वैक्सीनेशन शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल वैक्सीनेशन से पहले आज देश भर में सबसे बड़ा ड्राई रन किया जा रहा है। 736 जिले में होने वाले इस ड्राई रन में वैक्सीनेशन की तैयारियों और प्रक्रिया को परखा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन किया जा रहा है। पंजाब के मोहाली में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन जारी है। ड्राई रन को लेकर मोहाली में तीन मुख्य अस्पतालों को चुना गया है, जिसमें सबसे पहला जिला मोहाली का सिविल अस्पताल, दूसरा सीएचसी बनूर और तीसरा इंडस अस्पताल को चुना गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि इन तीन अस्पतालों के जरिए जिला मोहाली का पूरा क्षेत्र कवर कर लिया जाएगा। वहीं सिविल अस्पताल में कोरोना वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर विजय ने बताया कि ड्राई रन का मकसद है जब कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी उस समय किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें रिहर्सल के जरिए दूर किया जा सके।